और भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड क्षेत्र स्थित अमडांडा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अर्जुन पोद्दार द्वारा 15वीं वित्त आयोग की राशि से हो रहे पंचायत के विकास के कार्यों में राशि का बंदरबांट करने की शिकायत ग्रामीणों ने वरीय पदाधिकारी और स्थानीय पदाधिकारी से की। साथ ही जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस संबंध में पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद संजाद आलम, मोहम्मद फाहिम बीबी, फरहद बीबी, जमीला साहिब, दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि अमडंडा गांव के वार्ड संख्या 13 में पंचायत समिति सदस्य अर्जुन पोद्दार और कुछ बिचौलियों द्वारा 15वीं वित्त आयोग के तहत करीब 10 लाख की लागत से बन रहे राशिद के घर से साह टोला होते हुए आरडब्ल्यूडी सड़क तक पीसीसी सड़क निर्माण और नाला निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि इसमें भारी अनियमितता बरती जा रही है। तो पीसीसी सड़क की मोटाई केवल 2 से 2.5 इंच है और नाले का निर्माण इस प्रकार से हो रहा है कि सड़क से निकलने वाला पानी इसमें प्रवेश नहीं करेगा। आधा दूर तक सही बना है, आधा दूर जो है ना उल्टा पानी बह के आ रहा है, नीचे जाना चाहिए था ऊपर आ रहा है। अच्छा अच्छा। और नाला रोड के ऊपर ही बना हुआ है, 7-8 इंची 4 इंची गड्ढा किया है, उसके बाद नाला बना दिया है। अच्छा अच्छा। रोड का पानी नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। नाला में? नाला में नहीं जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। तो जब बना रहे थे तो उस समय विरोध किए थे? हम नहीं, यहाँ पे नहीं थे, बाहर में थे। कौन बना रहा है यहाँ पे? अर्जुन पोद्दार ठेकेदार है, और सब कौन कौन है पता नहीं। नहीं मैं, ये नाला जो है ये ढंग से नहीं बनाया, जो चाहे जो भी ठेकेदारी किया है इसमें वो ढंग से नाला नहीं बनाया। आधा दूर जो है 450 के लमसम में ये नाला का मतलब लंबाई है जी। और 250 फीट जो नाला बना है वो उसमें पानी जा रहा है, 250 के बाद जो है पानी उल्टा आ रहा है। इससे क्या क्षति हो सकता है गाँव? गाँव घर में बरसात के दिन में लोग के घर में पानी घुस जाएगा। क्या रोड पर ही नाला है? रोड पर ही नाला बना दिया गया है, रोड की रोड को कम से कम 2 फीट गड्ढा करके नाला बनाया जाना था, तब रोड का पानी उसमें उसमें पानी जाना था। इसको लेकर क्या विभाग को लिख के दिए क्या? विभाग को हम अभी